में आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली पुलिस पर एक युवक को अवैध तमंचा रखने के मामले में फंसाने का आरोप लगा है। एक वायरल वीडियो में पुलिस बाइक से तमंचा निकालकर युवक की कार में रखते हुए दिख रही है। इस मामले में पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस युवक की कार रोकती है, फिर बाइक से तमंचा निकालकर युवक की कार में रखती है। इसके बाद पुलिस युवक को अवैध तमंचा रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग पुलिस के इस करतूत की निंदा कर रहे हैं। पीड़ित युवक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उनके बेटे को फंसाया है, उन्हें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दिनेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? गांव करीरा शिकारपुर में रहने वाले। अच्छा, क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ में? 21 तारीख को बेटा दावत खा के आ रहा था और बाजार में गाड़ी पुलिस वालों ने रोक ली, जबरदस्ती उसमें तमंचा रखा और उसे निर्दोष को दोषी बना दिया और चालान काटा, उसका जेल भेज दिया। कहाँ की पुलिस थी? शिकारपुर थाने की पुलिस थी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और बुलंदशहर एसएसपी जी से, जो ईमानदार हैं, इन्हीं की पुलिस इन्हीं को बदनाम कर रही है और जबरदस्ती उसे मुजरिम साबित कर रही है। तो आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं? हाँ, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आपको न्याय मिल? मुझे न्याय चाहिए। शिकारपुर क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छद्म तरीके से तमंचे में जेल भेजे जाने की बात प्रकाश में आ रही है। वीडियो में जो तथ्य प्रदर्शित हो रहे हैं उनके आलोक में तत्काल जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक थाना प्रभारी है शिकारपुर के और एक चौकी इंचार्ज कस्बा और दो सिपाही हैं, उनको तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है और इसमें दो होमगार्ड और दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर जांच की जा रही है और जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट एसएसपी साहब को प्रेषित की जाएगी और जो वीडियो है और जो संबंधित चीज़ें हैं उनकी विस्तृत जाँच संपादित की जाएगी। सर, टोटल कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? टोटल जैसा कि मैंने बताया कि थाना शिकारपुर के एसएचओ हैं और कस्बा चौकी इंचार्ज हैं और दो सिपाही हैं और दो जो होमगार्ड हैं, जितने लोग वीडियो में प्रदर्शित हो रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुलंदशहर संवाददाता इकराम खान, चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी। छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सर्च करें indianazarnews.com। आपकी कोई जन समस्या समाचार विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8923424786। सिकंदराबाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम, जबान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रस मलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद बुलंदशहर रोड।